नमस्कार, राधे राधे। मेरे चैनल दी गुरु ज्ञान पामिस्ट्री में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर गार्डियन एंजल लाइन अर्थात मंगल रेखा के विषय में बात करेंगे। हम जानेंगे कि मंगल रेखा अर्थात गार्डियन एंजल लाइन को हस्त रेखा विज्ञान में बहुत अधिक शुभ क्यों माना जाता है, इसके हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, गार्डियन एंजल लाइन अर्थात मंगल रेखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारी हथेली के अंदर ये जो मंगल रेखा है ये किस स्थान पे होती है। तो दोस्तों, जहां पे आपकी जीवन रेखा होती है, कहां पे होती है आपकी जीवन रेखा, मंगल पर्वत से आपकी जीवन रेखा निकलती है और केतु पर्वत तक पहुंचती है। इसी रेखा के बिल्कुल साथ में लग करके एक रेखा निकलती है और आपकी जीवन रेखा के बिल्कुल समानांतर चलते हुए कहाँ, जहाँ आपकी जीवन रेखा समाप्त होती है वहीं केतु स्थान तक पहुँचती है। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मंगल रेखा अर्थात गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती है, इसको हम उतना ही अधिक शुभ मानते हैं। तो ये जो रेखा है, इसके हाथ में रहने पर क्या क्या फायदे होते हैं, हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसको परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा स्वयं कदम से कदम मिलाकर के इस व्यक्ति के साथ चलते हैं और इसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो रेखा है ये आपके जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जिन भी लोगों के हाथ में ये रेखा रहेगी, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा लंबा जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना ऐसे लोगों के साथ नहीं होती है। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ऐसे व्यक्तियों के साथ में होती भी है तो इनका बाल भी बांका नहीं होता है, अर्थात ये लोग बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाने पर भी बच जाते हैं, इनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है। आपने अपने जीवन काल में बहुत बार ऐसा सुना होगा कि किसी व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई लेकिन वो व्यक्ति वहां से बच गया, अर्थात दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि उस व्यक्ति का बचना बहुत अधिक मुश्किल था, लेकिन वो जो व्यक्ति है वहां से बिल्कुल ठीक ठाक वापिस आ जाता है। तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण यही रेखा है, अर्थात उसकी हथेली में ये मंगल रेखा ही होगी, इसी कारण से वो व्यक्ति बच करके आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन भी लोगों के हाथ में ये मंगल रेखा रहती है, ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं लंबा भी होगा और ऐसे व्यक्तियों को किसी भी दुर्घटना से परमात्मा स्वयं बचाएंगे, ये लोग आवश्यक रूप से निरोगी और कष्ट मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, जिन भी लोगों के हाथ में ये मंगल रेखा रहती है, ऐसे व्यक्तियों का जो आत्मविश्वास होता है वो भी बहुत उच्च श्रेणी का होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी छोटी मोटी घटना से घबराते नहीं हैं, किसी छोटी मोटी परेशानी से पीछे नहीं हटते हैं। इनके जीवन में कैसी भी परेशानी आ जाए, ये लोग उसके साथ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आवश्यक रूप से सफल होते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, ये जो रेखा है इसको हम युद्ध विजयी रेखा भी कहते हैं। ये जो रेखा है आपको बहुत सारे जो सैनिक होते हैं उनके हाथों में भी देखने के लिए मिलेगी। देखिए, एक जो सैनिक होता है वो उसका जो जीवन होता है हर समय कहीं ना कहीं दांव पे लगा रहता है, उसको हर समय अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो जिन भी लोगों के हाथ में ये मंगल रेखा रहती है, जो भी सैनिक होते हैं उनके हाथ में अगर ये मंगल रेखा होती है तो कितना भी बड़े युद्ध में ये लोग चले जाएं, ये आवश्यक रूप से वापिस आएंगे और युद्ध को विजयी होकर आएंगे। इसके सिवाय दोस्तों, जो ये गार्डियन एंजल लाइन है ये कहीं ना कहीं हमारी छोटी मोटी परेशानियों से भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शुक्र पर्वत के ऊपर से
जितनी भी आड़ी रेखाएं चलती हैं वो अगर हमारी जीवन रेखा को काटती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं, अर्थात वो जो छोटी मोटी परेशानी है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन अगर यही मंगल रेखा आपकी हथेली के अंदर है और यहाँ से कोई आड़ी रेखा निकल करके आपकी जीवन रेखा को काटती भी है तो कहीं ना कहीं ये जो मंगल रेखा है ये आपके जीवन को वहाँ पर भी सुरक्षा प्रदान करेगी, उस छोटी सी घटना का भी आपके जीवन के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो मंगल रेखा है ये आपकी रोजमर्रा की छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनसे भी आपकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों इसके बाद प्रश्न आता है कि ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, मंगल रेखा है, क्या सभी लोगों के हाथ में इतनी लंबी नजर आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा बहुत लंबी रहती है लेकिन कुछ लोगों के हाथ में ये अलग अलग रूप में रहती है। तो आइए जानते हैं इसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रकार तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेखा है लगभग जीवन रेखा के बिल्कुल साथ में चलती है। इसके सिवाय कुछ लोगों के हाथ में ये जो रेखा है आपको बहुत छोटी सी देखने के लिए मिलेगी, इस प्रकार की रेखा भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रेखा है कहीं ना कहीं लगभग 22 वर्ष की आयु तक इस व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। कुछ लोगों के हाथ में ये जो गार्डियन एंजल लाइन है वो इस प्रकार से कहीं कहीं से टूटी टूटी हुई सी नजर आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस व्यक्ति को जीवन में हमेशा सुरक्षा तो मिलती रहेगी लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं जब इसको जीवन को कष्ट आएगा उसी समय पर ये रेखा उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। कुछ लोगों के हाथ में ये जो जीवन रेखा है, ये जो मंगल रेखा है, ये लगभग आधे तक रहती है, लगभग आधे आयु तक आपको नजर आएगी। तो अगर इस प्रकार की रेखा आधे तक नजर आती है तो कहने का तात्पर्य यही होगा कि ये जो व्यक्ति है इसको लगभग 60 वर्ष की आयु तक जीवन में सुरक्षा प्राप्त होगी। उसके पश्चात इसका जीवन, अगर जीवन रेखा ठीक है तो इसका जीवन लंबा चलेगा, और अगर इसका जो जीवन रेखा है वो कहीं से उसके बाद टूटी हुई है या खराब स्थिति में है तो कहीं ना कहीं उस समय पर इसको कष्ट रहेगा, लेकिन जहां तक ये रेखा है उस समय तक परमात्मा स्वयं इसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके सिवाय दोस्तों कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये मंगल रेखा है वो तो पूर्ण स्थिति में है लेकिन जीवन रेखा जगह जगह से टूटी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जीवन रेखा किसी भी स्थान से टूटी हुई होती है या उस पर कोई अशुभ निशान होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर ये मंगल रेखा बिल्कुल सीधी स्थिति में है, बिल्कुल स्पष्ट अंतिम समय तक पहुंच रही है, और जीवन रेखा कहीं कहीं से टूटी हुई है या इसके ऊपर कोई बुरा निशान भी है तो भी विश्वास कीजिए ये जो व्यक्ति है इसको बाल भी बांका नहीं होगा, अर्थात इस व्यक्ति का जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन रहेगा। हो सकता है कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या कोई छोटा मोटा और कोई इसको कष्ट हो जाए लेकिन इसकी मृत्यु बिल्कुल भी नहीं होगी, ये जो मंगल रेखा है वो इसके जीवन को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मंगल रेखा है, गार्डियन एंजल लाइन है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा कवच के विषय में बताती है, ये व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको आवश्यक रूप से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।